आया गया है तो संजौली के साथ साथ पूरे शिमला भर में जो भी संवेदनशील इलाके हैं, यूनिवर्सिटी के आसपास का मामला हो या फिर शिमला का चंडीगढ़ की तरफ से एंट्री गेट शोगी हो, वहां पर भी नाके स्थापित कर दिए गए हैं। जांच की जा रही है और एक बड़ा प्रदर्शन करने की यहां पर जिस तरह से तैयारी है उसके मद्देनजर संजौली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रदेश भर से हिंदू संगठन लामबंद हो रहे हैं। बीते दो दिनों से ही यह सिलसिला जारी था। शिमला में अवैध मस्जिद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी जोरों पर है। वो अभी हमने जो हमारे प्रोसीजर्स है वो 163 BNSS में उसको इन्वोक किया है यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं लाइफ इज वेरी नॉर्मल, लोग अपने दफ्तरों में, स्कूलों में, कार्यालयों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है। और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं, अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल, ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल, और किसी भी सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वो पीस पे ही रेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा भी होते तो इट विल बी अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बात पहले हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पीसफुल ही रहेगा। आई थिंक जो हमारे एहतियातन स्टेप्स है वो तो पर्याप्त हमने लेके रखे हुए हैं। और साथ साथ में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहता है और उस पर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है तो उन लोगों को भी हम कॉशन करते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और पीस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। जो पीस है वही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन है तो वो भी पीसफुल होना चाहिए, यही मैं इस समय कहना चाहता हूँ। और हमारे पुलिस के बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल एडिक्वेट हैं। वी विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ और प्रोसीजर। देखिए ये तो एक स्ट्रेटेजिक मूवमेंट और मूव रहता है हमारा, इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। बट जो मैसेज यही है कि सभी लोग जो है वो जो हमारा हिस्ट्री भी है और जो हमारा जो जैसा हमारा व्यवहार भी रहता है, वी आर अ पीसफुल पीपल और आई डोंट थिंक कि कोई लॉ को ब्रीच करेगा, अपने लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। सभी लोग जो है वो लॉ अबाइडिंग है और आप देख भी रहे, लाइफ इज मूविंग वेरी मच नॉर्मल। तो इससे क्लियर इंडिकेशंस हैं कि द डे विल बी पीसफुल। लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि सभी लोग जो है वो, जितने भी लोगों से हमारे बात हुई है वो सभी लोग जो है वो हम शांति प्रिय लोग हैं, हिमाचल के लोग, शिमला के लोग जो है हम शांति प्रिय लोग हैं। और हमें सभी बॉल बॉक्स ऑफ लाइफ जितने भी हैं उन सभी ने हमको यही अश्योर किया है कि देयर इज नथिंग टू वरी, सब जो है पीसफुल रहने वाले। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी शिमला का। रणबीर और राजेंद्र दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, सबसे पहले तो बताएं किस तरह की यहाँ पर चौकसी बढ़ती जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है, क्योंकि सिर्फ शिमला भर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से बताया जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन लामबंद हो रहे हैं और एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। जी हाँ जासमिन, सबसे पहले इस संजौली शहर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर धारा 163 लागू है, जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी। लेकिन यहां पर स्थिति क्या है अभी आप देखिए, पूरी तरह से सामान्य तरीके से ये संजौली बाजार चल रहा है। जो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, संस्थानों में जाने वाले छात्र हैं, दफ्तर जाने वाले लोग हैं, वो अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक उस मस्जिद के बिल्कुल पास हम खड़े हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से पुलिस का पहरा लगा हुआ है। ना केवल उस परिसर के पास है बल्कि उसके आसपास जो बाजार है वहां पर भी आपको जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आएगी। और यहां पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि पहले हमने बताया दर्शकों को कि पूरे शिमला जिला में सिक्योरिटी अलर्ट है, शिमला शहर में सिक्योरिटी अलर्ट है और जगह जगह पर पुलिस का पहरा है।
हमारे साथ एसपी सिक्योरिटी हैं भूपेंद्र नेगी, जरा बताएं क्या स्थिति है अभी। अभी तक तो शिमला में संजौली में अभी शांति है और अभी कम्युनल हारमोनी मेंटेन करने के लिए जिला पुलिस और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और हर तरह की नजर यहां पर रखी जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि यहां पर कम्युनल हारमोनी मेंटेन रहेगी और पुलिस और प्रशासन का बंदोबस्त अभी बिल्कुल पुख्ता है। क्या इनपुट है कि कहीं से कोई प्रदर्शनकारी आ सकते हैं? ऐसी तो कॉल दी गई है, ऐसा इनपुट तो है ही है, बट पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है अभी तक। देखिए भूपेंद्र ने की शुक्रिया जो है उनसे हमने बात की है। तो यहाँ पर देखिए एसपी शिमला भी हमें नजर आ रहे हैं, संजीव कुमार गांधी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो जानकारी ये निकल कर आई है जैस्मिन की, यहाँ से थोड़ी दूरी पर शायद ढली के आसपास जो है प्रदर्शनकारी पहले इकट्ठा होंगे। एसपी साहब आप लाइव हैं, जरा थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी और क्या किस तरह की तैयारी पुलिस की है और क्या आशंका है कि इस तरफ भी प्रदर्शनकारी आ सकते हैं? देखिए बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि वी लिव ऑन द फैब्रिक ऑफ आवर सोसाइटी, लिव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ पीस। सो अभी हमने जो एहतियातन तौर पर सारे अरेंजमेंट किए हैं और जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं लॉ के उनको इन्वोक किया है, उससे बड़ा क्लियर है कि जो लॉ है वो दैट विल प्रिवेल और किसी भी प्रकार की डेमोंस्ट्रेशन की कोई परमिशन इस एरिया में है नहीं। तो इसके दृष्टिगत जो है पुलिस का जो बेसिक ड्यूटी है लाइफ और प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने की, हम उसको इम्पोज कर रहे हैं। और हमने देखा कि संवेदनशील जगहों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है, क्या आशंका लग रही है? नहीं देखिए जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जो सिक्योरिटी को जिस तरह से हम लोगों को इम्पोज करना चाहिए और जिस तरह से हमको अरेंजमेंट करने चाहिए वही अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं। बट अबव एवरीथिंग वी नो दैट आवर पीपल आर पीसफुल, पीस लविंग और कोई इस तरह की हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है नहीं। तो जिनसे भी हमारी बात हुई है, जो पीछे भी डेमोंस्ट्रेशन हुए थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे और अभी भी हमको पूरी अपेक्षा और ये आशा है कि कोई लॉ को ब्रीच नहीं करेगा। एंड मोर देन दैट, आज के टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में पीस लविंग है, जो अपने कामों में व्यस्त है और अपने जीवन में व्यस्त है, वो क्यों लीगल कॉम्प्लिकेशन में पड़ेगा? कोई भी लॉ को ब्रीच करता है उसके बाद तो डिफिकल्ट और लीगल कॉम्प्लिकेशन अराइज होती हैं। तो आई डोंट थिंक, सभी लोग प्रूडेंट है, एजुकेटेड है, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में नहीं पढ़ना चाहेगा और पढ़ना भी नहीं चाहिए। एंड वी एक्सपेक्ट एंड हम आह्वान भी करते हैं कि हमारी शिमला की कैपिटल की पीस जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। पूर्वत जैसे ही सभी लोग सारे सिटीजन सहयोग करते हैं और पुलिस भी मित्रवत व्यवहार करती है, इसी तरह से आज का दिन भी लाइक एवरी डे पीसफुल रहेगा। एक सवाल और लेना चाहेंगे, किसी संगठन ने परमिशन ली है कि हम प्रदर्शन करना चाहेंगे या किसी ने जिम्मेदारी ली है संगठन ने कि हमारे बैनर के नीचे ये प्रोटेस्ट होगा? नहीं, कोई किसी ने ना तो हमने किसी को परमिशन दी है, ये तो बड़ा क्लियर ही है। और जब सारे प्रोटेस्ट एक बार पीसफुल हो गए और जो इशू है उसमें जो राइट्स हैं या जो भी डिसीजन है वो हमको वेट करना चाहिए प्रोसीजर और लॉ का और न्याय का, तो उसी तरह से जो है वो होगा। और अभी बेसिकली हम वी आर एग्जीक्यूटिंग लॉ, अभी ये चल रहा है ना, आई एम ऑक्यूपाइड। थैंक यू। तो जैस्मिन एसपी शिमला हमारे साथ है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरह की यहाँ पर तैयारियां है पुलिस की और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वो जो है स्थल तक पहुंचे और यहाँ पर थोड़ा सा आगे संजौली चौक की तरफ हम जाएंगे। ठीक है रणवीर, आप आगे संजौली चौक पर पहुंचिए, वहां से तस्वीरें दिखाइए। तब तक राजेंद्र का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है? बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की सुरक्षा व्यवस्था अगर मैं कहूं तो जो लोग घूम रहे हैं उनसे अधिक पुलिस वाले यहां पर तैनात हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में भी और सिविल यूनिफॉर्म में भी। बिल्कुल सीधे आपको तस्वीरें मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, हर जगह पुलिस के जवान तैनात हैं, पुलिस के जवान खड़े हुए हैं और ये जो पुलिस की बसें खड़ी हैं इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 बसें बिल्कुल जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से दिख रही है। एक बिल्कुल सामने देखिए पुलिस की बस है, उसके बाद पुलिस की गाड़ी है, फिर तमाम ये तमाम वाहन जो
स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये सभी पुलिस जवानों के वाहन हैं और देखिए आप इंतजार में हैं किसी हाँ। भी आदेश के, जैसे ही आदेश इनको मिलता है तो वैसे ही पुलिस जवान यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए बख्तरबंद गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार मूव कर रही हैं, इधर उधर घूम रही हैं, जैसे ही QRT वाहन हमें जाते हुए दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप, जैसे ही आदेश मिलेंगे वैसे ही इंतजार में है कि आदेशों को अमली जामा पहनाया जाए। कुछ देर पहले यहाँ पर जहाँ पर आपको साफ सफाई होती हुई दिख रही है, यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग हुई, तमाम जो CID के जवान यहाँ पर थे, जो सादी वर्दी में है उनको इकट्ठा किया था, करीब 100 के करीब CID के जवान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ये सामने पुलिस पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पुलिस है। तो अब ये देखना होगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचते हैं, क्योंकि लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी लगातार हमें दिख रहा है, बहुत से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, 11 बजे का समय यहाँ पर आसपास आता जा रहा है, वैसे वैसे जो जो धारा लगाई गई है भारतीय दंड संहिता की 163, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की तरफ जो प्रशासन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ज़रूर हम कह सकते हैं आज हालांकि सुबह के समय अच्छा रश यहाँ पर था, लोग अपने कामकाज के लिए निकले, दुकानें भी पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे शटर भी डाउन होते हुए दिख रहे हैं दुकानों के, बाजार के अंदर, और जो पुलिस की संख्या है वो भी बढ़ती हुई। ठीक है राजेंद्र, आप नजर बना के रखिए, रणवीर आप भी संजौली में ही मौजूद है क्योंकि आज संवेदनशील वहां पर पूरा संजौली बना हुआ है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जैसे कि राजेंद्र बता रहे हैं कि दुकानों के शटर भी धीरे धीरे बंद होना वहां पर शुरू हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कितना सहयोग यहाँ पर इस प्रदर्शन को मिल रहा है, क्योंकि जो कुछ संगठन है सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो तो लामबंद हो ही रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है? देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, और यहाँ पर हमने देखा कि सोशल मीडिया में किस तरह से जो है यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। ये तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, ये संजौली चौक की तस्वीर है, देखिए यहाँ पर किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, एक तरफ का रास्ता जो है यहाँ पर पुलिस ने बंद कर दिया है, और यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि शायद इसको वन वे किया गया है, जो ढली की तरफ से जो वाहन आ रहे हैं उनको आने की इजाजत है, लेकिन यहाँ पर आप ये सामने एंट्री आप देख रहे हैं ढली के तरफ से, और इस तरफ अगर हम देखें IGMC की तरफ से जो रोड आता है यहाँ पर भी आप देखिए किस तरह से पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, और जो लक्कड़ बाजार की तरफ से भी रोड आता है। अच्छा। यहाँ पर देखिए जो 163 धारा यहाँ पर लागू की गई है वो यहाँ नवाहार चौक से लेकर ढली टनल का जो ईस्टर्न पोर्टल है वहां तक ये लागू है, इसके साथ IGMC से संजौली चौक और संजौली चौक से चलौंटी, यहाँ से जो लक्कड़ बाजार की तरफ से आपको तस्वीर जो वाहन ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर के दायरे की अगर हम बात करें तो वो चलौंटी एरिया आता है, वहां पर भी ये इम्प्लीमेंटेशन है, और यहाँ पर किसी भी तरह के जो है सांप्रदायिक राष्ट्र विरोधी या राज्य विरोधी भाषण या नारे या पोस्टर लेकर आने की मनाही है, और किसी भी तरह के हथियार या फिर कोई भी ऐसा आपके पास जो है ऐसा हथियार हो जिससे आशंका हो सकती है किसी के हमले की तो उसकी आने की मनाही है। ये आपको और बता दें इस यहाँ पर ये पहरा क्यों है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर मस्जिद है, और यहाँ से जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ से कोशिश कर सकते हैं कि वो यहाँ से आगे की तरफ निकले, और यहाँ पर पुलिस ने जो ये चारों तरफ का इलाका है इसका मस्जिद का उसको पूरी तरह से यहाँ पर घेर कर रखा है। जो सवाल आपका था कि स्थानीय लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, जो बिल्कुल पड़ोसी है जैस्मिन, ये जो बिल्कुल पड़ोसी है उस मस्जिद के, श्याम लाल भाटिया से हमने बात की थी, उन्होंने ये कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी शुक्रवार के दिन होती है, क्योंकि शुक्रवार के दिन बहुत संख्या में लोग आते हैं, और दूसरी बड़ी परेशानी उन्होंने कहा कि जो अवैध निर्माण हुआ है रातों रात
उस पर जो है कार्रवाई कानून के अनुसार हो। ये उन पड़ोसी की मैं बात कर रहा हूँ जो मस्जिद के बिल्कुल साथ रहते हैं, वरना समाज में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट तो होते ही हैं जो अलग अलग तरीके से फायदा लेने के लिए जो है अपनी बातें कहते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, कुछ जो है वमनस फैलाने की कोशिश करते हैं, कोई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, और जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ये कह रही है कि जो मसला है जो अवैध तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध तरीके से कारोबार कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या फिर जो जो है फर्जी आई कार्ड के जरिए यहाँ पर रह रहे हैं, उन लोगों की पहचान होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दो बातें, ये जो एक मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ था, ये दो बातों में तब्दील हो गया है। एक तो मस्जिद का अवैध निर्माण, जिसकी वजह से संजौली में जो मस्जिद के आसपास लोग रहते हैं उन्हें जो दिक्कत होती है वो, और दूसरा ये कि अवैध तरीके से भारी मात्रा में दूसरे राज्यों से जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं।